और छोरो की हाल। तो आज अपन लोग करने वाले हैं नू टू प्रो ब्लॉक्स फ्रूट में। अब वेल, जैसा तुम सभी जानते हो, अपन लोगों ने काफी टाइम पहले ब्लॉक्स फ्रूट खेलना स्टार्ट किया था, बट भैया अपन अभी तक है ना फर्स्ट सी में ही फंसे हुए हैं। अपन लोग आगे गए ही नहीं है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि भैया चाहे जो जाए, चाहे मेरे को एक दिन लगे, 10 दिन लगे, 50 दिन लगे, आई डोंट केयर। ये जो भी काम है ये अगली सी में जाने का, ये मैं आज ही करूंगा, इसी वीडियो में करूंगा। हाँ, मुझे पता है इस सब में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3-4 दिन या फिर 6-7 दिन, वेल काफी टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर तुम लोग चाहते हो, देखो आज तो अपन लोग अपने अपने पास जो करंट फ्रूट है लाइट फ्रूट उसी से करेंगे एंड ट्राई करेंगे कोई और फ्रूट लेने के, अगर कोई अच्छा फ्रूट मिला तो उसको भी ट्राई करेंगे। बट वेल मेन सीन, अगर अच्छा फ्रूट नहीं मिलता है तो भैया मेन अपना वही है, लाइट फ्रूट हो गए। बट अगर तुम लोग चाहते हो अपन ये सब किसी और फ्रूट के साथ भी करें, तो यस इस वीडियो पर 1500 लाइक पूरी करवा देना। अगर ये वीडियो 1500 लाइक पूरी कर लेगी तो अपन दूसरे वाले फ्रूट के साथ भी ये ट्राई करेंगे एंड देन अपन भैया कतई 0 to 700 जाएंगे। अभी तो अपन लोग 376 हैं, बट अगर तुम लोग लाइक ही पूरा कर दोगे तो अपन 0 to 700 जाएंगे। वेल वो बहुत ही मजेदार होगा, ठीक है। बट वेल ये वो अपन करेंगे जब तुम लोग 700 लाइक पूरे कर दोगे। अभी के लिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो वेल भैया यहाँ का जो अपने क्वेस्ट वगैरह थी, या काइनू को सूतना वगैरह वगैरह, वो सारे अपन ने ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। मैंने काइनू को पेल दिया है एंड अब मेरा लेवल हो चुका है 376। एंड वेल मेरे को ये कंपास बता रहा है दूसरी प्लेस जहाँ पर मेरे को ग्राइंडिंग करनी है। तो वेल हियर इट इज, वहां जाना है अपने को, समझ गया। वेल लाइट फ्रूट के नाल ये ट्रैवलिंग वगैरह करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो वेल अपनी जो अगली ग्राइंडिंग होने वाली है वो होने वाली है अंडर वाटर में, वेल फिशमैन आइलैंड, आई अंडरस्टैंड। ऑलराइट, मैं अपना होम यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ताकि मैं मरूँ तो कहीं और ना पहुँच जाऊँ। और बाय द वे मेरे को ये अपडेट बहुत ही प्यारा लगा, ओके। एंड उसके अलावा मैंने अभी अभी अकाइनू को पेला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, सो मैं सोच रहा हूँ अपने ब्लॉक्स फ्रूट की पावर को ही इंक्रीज करूँ, ठीक है। क्योंकि जितना पावरफुल अपना ब्लॉक्स अपना फ्रूट होगा उतना ही कैडा अपन लोगों को सूत पाएंगे, राइट। यस ऑलराइट, फटाफट यहाँ आ जाता हूँ और अपनी क्विस्ट ले लेते हैं, किंग नेपच्यून। जी हाँ, दीजिए हमको क्विस्ट फिशमैन वॉरियर, जिसके लिए मुझे चाहिए 375। और राइट, एंड फिशमैन कमांडर, जिसके लिए मेरे को चाहिए 400 चाहिए इसके लिए, राइट, ओके अंडरस्टैंड। और फिशमैन लॉर्ड के लिए चाहिए आपको 425, राइट। वेल मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहां ग्राइंडिंग करना उतना वर्थ इट नहीं है जितना यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भैया एक अकाइन को पेलने के अपने को 3 लाख या 30,000, 30 लाख, वाट एवर जितने भी थे वो एक बार में मिलते हैं। वहां पर अपने को सिर्फ 50,000 ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा बेनिफिट नहीं है। और अकाइन को पेलना ईजी है क्योंकि अकेला है और सर्वर ऑफ कर करके मैं इसको आराम से पेल कर काफी सारी एक्सपी गेन कर सकता हूँ। तो इन माई ओपिनियन अपने वो अकाइनू को ही पेलना चाहिए जब तक अपना लेवल ना हो जाए 425, क्योंकि 425 के बाद अपन जाकर सीधा ही उस बॉस को पेल पाएंगे, या फिर मैं बीच में जाकर एक बार देख लूंगा अगर उस दूसरे वाले वॉरियर का लेवल वगैरह ज़्यादा हुआ तो मैं उनको भी ट्राई करूंगा। अदरवाइज अकाइनू करेंटली मेरे हिसाब से अकाइनू बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने लिए, ओके। एंड यप, उसको एक भी नहीं पड़ी। मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। बट वेल जो भी हो, अब अपन अकाइनू को बहुत ही तेजी से पेल सकते हैं। लास्ट अगर तुम्हें याद होगा तो इसको मारते मारते मेरी जान कट गई थी, बट यो ससुरा मरा नहीं था। यस, ये नहीं मरा था, बट अब मैं इसको बहुत ही आराम से पेल दूंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत है एक्चुअली, ठीक है। तो यार इसको मारना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एंड वेल इसी के साथ अपना लेवल हो चुका है 125। एंड वेल अब अपन लोग उस फिशमैन लॉर्ड के नाल फाइट करने के लिए कतई ही तैयार हो चुके हैं। भाई मेरे को पता है इसमें बहुत टाइम लगा लिटरली, ठीक है। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो सिर्फ 1 घंटा या फिर अराउंड 2 घंटे लगे हैं, बट ये सेकंड डे है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एंड वेल अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आके बंद कर देता हूँ बिकॉज मेरे को इसकी नीड नहीं है। एंड अब चलते हैं अपन लोग फिशमैन आइलैंड और तुम मेरा लेवल वगैरह ही देखो। और हाँ, एक चीज और है जो अपने को वहां पे करनी है, एक्चुअली वो फिशमैन आइलैंड पे नहीं, वो है अपनी स्काइप आइलैंड पर। क्या? वेल आई गेस तुम लोग तो अभी तक समझ गए होगे मेरे पैसे देखकर, इतना एंटाई गेस बहुत है और सस्पेंस काई का भाई मैं अभी तुम्हें लेके ही चल रहा हूँ वहां पर एक्चुअली। यहाँ आने के बाद अपने को आना है यहाँ पर,
वेल, जैसा तुम सभी को पता है, अपने पास किसी भी तरह की कोई रेस नहीं है। अपन अभी तक भैया कहते का स्ट्रेट ह्यूमन है, राइट? तो वेल, यहाँ पर आकर मैं लेने वाला हूँ एक रेस, एंड वो होने वाली है मिंक, क्योंकि यहाँ पर वो ही मिलती है। एंड इसके लिए $5,00,000 मांगता है। सो मैंने कहा पहले बैली कर लेते हैं, देन आकर यहाँ से ले लेंगे। $5,00,000 सर हमारे पास है, प्लीज गिव इट टू मी। तो अपने पास आ चुकी है इलेक्ट्रिक रेस। यस, क्या मेरे शरीर में कोई बदलाव आया? नोप, देख के नहीं लग रहा, बट हियर इट इज आर न्यू रेस, इलेक्ट्रिक रेस, जिसमें अपने पास एक 50 पर, एक 200 पर और एक 100 पर। ओह, बहुत ही बुरा। ओके, ओह वॉट एवर, लीव इट, छोड़ो। सही है, अब चल लेते हैं अपन लोग। हाँ वहीं पे देखेंगे, छोड़ो वहीं चल लेते हैं। सबको पता कहाँ जाना है, उस फिशमैन लॉर्ड के पास, मतलब फिशमैन एरिया का जो बॉस है ना, वहां जाना है अपने को। यो सर, मैं वापस आ चुका हूँ, एंड इस बार मैं काफी स्ट्रांग होकर आया हूँ। तो यस, इस बार मैं तुम्हारी ऐसी की तीन तैसी कर दूंगा, बिल्कुल कह कर। ओके, सो हियर इट इज आवर फिशमैन लॉर्ड, 425 चाहिए मेरे पास है। इससे अपने को ज्यादा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट वेल मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है, कछु तो मिल ही जाएगा, ये कन्फर्म है। ऑलराइट, ऑब्जर्वेशन हॉकी, अपने यहाँ की और सब चीजें तो ऑलरेडी सेट है ही है। और यहाँ पर बोरा सामने तुम देख सकते हो फिशमैन लॉर्ड। यप, तो वेल इसको डिफीट करना बहुत आसान है। अगर ये बाहर आता है जब तो ये इसको लिटरली मैं भगा भगा के मारूंगा। अगर बाहर आ गया तो ये खत्म, क्योंकि बाहर तो फिर मैं ना जीतने दूंगा इसको, ना किसी कीमत पर ना जीतने दूंगा। एंड ब्रो, तू आखिरी गलती कर दी तूने बाहर, क्योंकि बाहर ज्यादा मुझे लगा ही था, मुझे लग ही रहा था कि इसको बाहर ला नहीं सकते अपने, ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ भी सूख देंगे, हम उसको यहाँ पर भी सूख देंगे, कोई अर्ज नहीं है। ओके ब्रो, यहाँ आ जाए, काम कर खोपचे में, यहाँ हूँ मैं, हाँ या ओ ओके, तो आई गेस यहाँ पर मैं इसको ऐसे मार सकता हूँ, या उसका डैमेज मेरे को होगा नहीं, मैं उसको आराम से लपेट दूंगा। सॉरी ब्रोदर, आई नो ब्रो लगा होगा आपको, आप ऐसे इमट, इसका भी सीन देखने दो, छोड़ो। या ओ डैम भाई, मेरे पास हो शेट, मेरी ऑब्जर्वेशन आके गई, वही तो मैं कहूँ ना यार, छोरा मार कैसे नहीं पा रहा। या वही तो, ओ ओ ओ, सल्टा दिया सर जी, सल्टा दिया आपको। एंड भाई साहब, 4 लेवल इंप्रूव हुए अपने इस एक को मारने पर। डैम, दिस इज गुड। ओके, तो मेरे को अपना क्या इंप्रूव करना चाहिए? सोर्ड और गन तो मैं करता नहीं, क्योंकि मैं उनको यूज भी नहीं करता। ओके, ब्लॉक्स प्रूफ, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा अपने को उतना ही बेनिफिट मिलेगा, राइट? सही है, तो अब मैं इसको भी यहाँ पर सर्वर हॉप कर करके सूत लेता हूँ। और इन बच्चों को तो मारने का कोई सेंस ही नहीं है, मार पाओगे मुझे तुम लोग? या मुझे लगा ही था, ना 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 बालक ना, तुम्हारे बस की ना है, रहन दो। अरे एक्चुअली काम करते हैं ना, यहाँ आ ही गया हूँ, फिशमैन कमांडर पता नहीं कहाँ मिलते हैं, फिशमैन वॉरियर जो मेरे बाजू में ही है। एक काम करते हैं, अपनी नई रेस ये इलेक्ट्रिक, इसको आजमा लेते हैं। यस, इसको भी पावर अप कर लेते हैं अपन, लेवल 51। अपन लोग अपना न्यू मूव स्टॉर्म यूज कर सकते हैं। सही है, इसी चोरी को ऊपर करके देखते हैं। एंड ओहो, एपिक, या कति एपिक, मजा आ गया। ओके ओके ओके, मेरा लेवल हो चुका है 432। एंड स्टिल अपन अपने इसी को इंप्रूव करेंगे, बिकॉज मैं भैया मोस्ट ऑफली इसी को यूज करता हूँ, तो मैं इसी को करूंगा, ठीक है। एंड उसके अलावा एक जगह और है यहाँ पर जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। आई डोंट नो मैं वहाँ पर जा पाऊंगा या नहीं, बट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहीं पे। हाँ, हियर इट इज, वाटर कुंगू टीचर। ये भी अपने को आई गेस कोई फाइटिंग स्टाइल देगा या फिर कुछ तो देगा एक्चुअली, है ना। वुड यू लाइक टू लर्न द वाटर कुंगू फाइटिंग स्टाइल फॉर 750K? नेवर माइंड सर, मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम गरीब एक्चुअली। या हम कभी और आएंगे सर, मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना सर, मैं वापस आऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अपना लेवल हो चुका है 464। एंड वेल, अब अपन लोग जा सकते हैं अगले आइलैंड पर ग्राइंडिंग करने के लिए। देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी ग्राइंडिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि भैया जो ये फिशमैन लॉर्ड है ना, ये भैया लिटरली बार बार इसके लिए सर्वर ऑफ करना पड़ रहा है।
एंड भैया 6-7 बार एग्जिट कर ज्वाइन करने के बाद ये बंदा मिलता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ रहने देते हैं, आगे चलते हैं। इक्वल अमाउंट है, कोई इशू नहीं है, दोनों में ज्यादा मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो अपन चल लेते हैं अब अगली जगह पर जो है अपनी कहाँ है, तो यहीं पे, बट कौन सा ये वाला है मेरे हिसाब से, है ना। छोड़ो इतने दिमाग में क्यों लगाना, ट्रैकर ऑन कर लो, ट्रैकर ऑन कर लो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऑलराइट, तो यही तक आना था अपने को, एंड यहाँ पर अपने को ग्राइंड करना है इन लोगों के बीच में, ये जो परिंदे से दिख रहे हैं डंडे ले लेकर या इनके साथ। एंड वेल, यहाँ ग्राइंड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को लगा, गॉड गार्ड अपन को इनको पेलना है, ठीक है, इक्वल अमाउंट है, ठीक है, जितना अपने को वो फिशमैन लॉर्ड को पीटने पे मिल रही थी उतने ही यहीं पे मिल रही है। बट वेल, इनको पीटने का सबसे बढ़िया बेनिफिट, अपन लोगिया वाले हैं तो ये अपना कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, और अपन इनको आराम से कूट देंगे। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अपन इनको कूटते भी रहेंगे और साथ में अपना जो ये इलेक्ट्रिक क्लॉ है इसका भी अपन इसकी भी ग्राइंडिंग कर लेंगे। मैंने इसको लेवल 78 कर दिया है और यहाँ तक का काम यहाँ पर अपने वो अराउंड है कम से कम 500 करने हैं, ठीक है, अपने वो लेवल 500 पे जाना, देन अपन यहाँ के बॉस से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। 500 तक पहुँचते पहुँचते आई एम प्रेटी श्योर कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, मेरा ये जो 100 लेवल की मास्टरी इलेक्ट्रिक टैकल ये अनलॉक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सही है, जब तक होता नहीं है इन लोगों को सूखते रहो, दवा कर सूखूंगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। बट वेल, इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है, ये लिटरली ज़्यादा इजी है ये। एंड अब इसकी मदद से इनको फेल दो और वेल हियर इट इज लेवल 81। वेल, मैं एक्चुअली ज़्यादा ही लंबा सोच रहा था, मेरे हिसाब से जो ये इलेक्ट्रिक टैकल है ये अपने को अभी ही मिल जाएगा। यस, आई एम प्रीटी श्योर। एंड वेट एक मिनट, यहाँ के लिए 125 एंड 75 इसके लिए है ना। इसको एक बार सूट के देख लेते हैं कितनी देर में कर देगा ये, ठीक है। हाँ, मेरी गन का डैमेज कम है, बहुत कम है, ठीक है, चलो कोई ना, मैं बिल्कुल जूम रखता हूँ और इसको बिल्कुल डाउन, हाँ इतना सही है। ऑलराइट, तो इसको फटाफट से सल्टा देते हैं और अपनी गन की मास्टरी मेरे हिसाब से इसको मारने के बाद 75 हो जानी चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट कन्फर्म कि भैया हो ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। एंड 55 छोड़ो, कौन ही इनके साथ मत्ता पच्ची करेगा, ठीक है, रहन देते हैं अपन, फटाफट इनको सूट लेते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अब बहुत ही जल्दी मेरा लेवल अपने को कितना लेवल पे जाना है, 475, देन अपन अगले बोसेस को अगले NPCs को पेल पाएंगे, उनसे अपने को और भी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी। एंड वेल, इसी के साथ अपना लेवल हो चुका है 500, यानी अब अपन लोग बॉस बैटल कर सकते हैं। एंड वेल भैया, मैं लिटरली बहुत देर से मैं भूल गया बीच का एक सीन दिखाना तुम लोगों को। मैंने ये अपना जो ये इलेक्ट्रिक मूव था इसको मैंने 105 लेवल कर लिया है, यानी अब इसका जो अगला मूव है ये एक्स वाला ये अनलॉक हो चुका है। एंड उसके अलावा ऑफलाइन ग्राइंडिंग करते करते मैं भावनाओं में इतना बह गया कि या मैंने एक बार ट्राई किया मैंने कि भैया ये मरता है या नहीं मरता है, एंड या उसको मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बड़े इजीली मर गया वो तो एक्चुअली, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा बहुत उसने टाइम दिया मेरे को, सही कहूँ तो, ठीक है। बट अब मैं लेवल 500 का हूँ तो मैं एक्चुअली उसकी विस पर या अपन उसकी क्विस्ट भी ले सकते हैं एंड उसको पील भी सकते हैं, और सही कहूँ तो उसको मारने पर ज़्यादा एक्सपी वगैरह नहीं मिलती। बट या वाट एवर, जो भी हो ठीक है, जो है वो भी सही है ना। ऑल राइट ब्रदर, यू एंड मी ओनली, आर यू रेडी, हैं ओके, मेरे हिसाब से होगा वो रेडी। खैर चलो, ये बड़े आराम से पी लिया जाएगा। या ब्रो, देखो इसको मारा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये साला एक तोप से यूज करता है जो मेरे पास है कैनन, बस उससे बचना है अपने को, ठीक है, अदरवाइज इसको मारना इज वेरी इजी। ऑलराइट, 500 से सीधा 502, नॉट दैट मच और नॉट दैट गुड एक्चुअली, ठीक है, बट हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एंड अपने पास 66 लेवल्स हो चुके हैं, तो मैं इसको किस में दूँ, लेट मी थिंक। तो देखो, मैंने मिली और डिफेंस अपने 160 से ऊपर ही कर लिए, ठीक है। एंड मेरा ब्लॉक्स फ्रूट का मैं एक्चुअली हाई रख रहा हूँ, बिकॉज या मैं इसको एक्चुअली हाई ही रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट्स इनफ। भाई साहब,
ब्लॉक्स फ्रूट की नीड सबसे ज़्यादा पड़ती है, ओके। एंड उसके अलावा मैं अपना मीली इम्प्रूव करता हूँ बिकॉज मैं एनर्जी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यस, मैं एक्चुअली पूरे पॉइंट ऑफ मीली को दूंगा, क्योंकि एक तो मैं हैंड कॉम्बैक्ट भी ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल, और उसके अलावा ये भी, तो ये परफेक्ट है एक्चुअली, ठीक है। एंड उसके अलावा अब अपने को लेवल अप करना है यहाँ पर, क्योंकि अपने को जाना है आगे फाइट करने के लिए। मैं बताता हूँ, तुम उस जगह पर है अपना अगला बैटल, ठीक है। वहाँ पर एक NPC है, वो अपने को अगली अपना टास्क देगा, एंड इसके लिए अपने को चाहिए मरा समरा भी अपने को चाहिए इसके लिए 525 जी हाँ। तो वेल, इसलिए अब अपने को अपनी ग्राइंडिंग करनी होगी 525 तक। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ 550 ही कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली ये सैंडार है ना, इनको मारना ज़्यादा यूजफुल रहेगा लिटरली, ठीक है। बिस पर आता भी नहीं है, उसके चक्कर में बार बार सर्वर होप करने से बेटर है मैं सैंडार्स को कूट लूँ, क्योंकि इनको कूटने से एक तो भैया अपने पॉइंट अच्छे खासे मिल जाते हैं, और अपने लोगिया की वजह से अपन लोग बड़े आराम से पीट लेते हैं इन लोगों को, ठीक है। लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं होती है इन्हें मारने में, ठीक है। बस ऐसे इन लोगों को उकसाओ, अपने पास बुलाओ, इस पर को रहेगा ना, हाँ, इस तरह से मारो, इन्हें उकसाओ, अपने पास बुलाओ, और दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही आराम से तुम्हारा काम हो जाता है, और ये तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज वो तुम्हें मार ही नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या। एंड वन मूव एंड सेकंड मूव एंड यू आर गाइस डेड, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो अपने को विस्पर से मिला था, ज़्यादा खासा अच्छा लेवल नहीं मिला, दो लेवल अप हुए थे अपने विस्पर से, है ना, ठीक है। मैं तुम्हें सैंडार का भी दिखा देता हूँ एक बार, इनसे भी ज़्यादा नहीं होता एक्चुअली, इतना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम देख सकते हो यहाँ पर 7 था, है ना, 5-7, और यहाँ पर 7 नहीं है, दैट्स इट, कोई ना, ऐसे भी सही है, यप, ज़्यादा नहीं है बट जितना भी है वो भी बहुत है ना। ऑलराइट गाइस, यू आर डेड बिकॉज मेरे मूव्स अच्छे हैं, और ओ मैंने सोचा इस ये वाला लास्ट होगा, बट कोई ना, सालों को मैंने स्कैटर रो कर दिया, शॉर्ट से ही पहलना ज़्यादा सही रहता है ना। अब ये अगला कहाँ मर गया, व्हाट द हैक, ऑब्जर्वेशन हकी, वियर्ड। चल कोई ना ब्रोदर, वो ना तो तू ही सही, मतलब मुझे जस्ट अपना लेवल अप करना है, ठीक है। ओके, तो अपने को बिस्पर से मिले थे 2 लेवल, ठीक है, एंड सैंडार से मिलो अपने को 1 लेवल, पर बिस्पर के लिए अपने को सर्वर हॉप करना पड़ेगा, एंड मेरे पास अब कोई भी डबल XP का वो नहीं है कोड, तो ये सब अपने को बिना XP कोड के ही करना पड़ेगा। भैया मैं सही बता रहा हूँ, ये बॉसेस को पहलना ना लिटरली बहुत ही सही ऑप्शन है, ठीक है। ये लिटरली इनको पहलते जाओ और अपना लेवल बहुत ही आसानी से इम्प्रूव करते जाओ। अब तुम देख सकते हो मैं हो चुका हूँ 525 लेवल का, एंड ओ ये लड़ना चाहता है, ये मेरे से लड़ना चाहता है बड़ा ही फुद्दू बंदा है यार ब्रो तू, हैं, मतलब अपन लोगों का लेवल हो चुका है 525, तो अब अपन लोग जा सकते हैं आगे के लेवल, आगे की जगह पर ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पर, राइट। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ, मेरे पैसे देखो तुम, तो मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, चल लेते हैं और जाकर अपने लिए कुनफू वाटर कुनफू ले आते हैं, अभी दिखाया था ना मैंने तुम्हें, यस वही वाला था भैया, अभी तक तो मेरे को पता थी वो जगह कहाँ है, और इतनी जल्दी मैं भूल भी गया, बट यार कोई ना, अपने मतलब ज़्यादा उससे कुछ है भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और कर लेते हैं अपनी आंखें की ग्राइंडिंग, एंड मुझे पता है मेरे पास 8 लाख थे और अभी 7 है, मैंने एक्चुअली उस हाकी लर्नर बनर वो आइस वाले एरिया में जहाँ मैंने वहाँ जाकर नई हाकी बाय कर ली, ये वाली चीज़ ले ली मैंने, फास्ट स्टेप वगैरह जो भी है मैंने ले ली है, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी ब्रो, देना नहीं चाहता था मैं, अबे तेरी पागल क्या ब्रोदर, बड़ा ही अजीबी नशेड़ी लौंडा यार, तुझे पता है मैं क्लिक कर रहा था वहां पे, गलती से लग गई यार, भाई जमीन देख लिया, आसमान देख लिया, छोरा नहीं मिल रहा मेरे को लिटरली, ठीक है। मतलब फटू भी इतनी, मतलब फट भी रही है और पंगा भी लेना है, वाह, आजकल लोगों का लिटरली अलग ही वो होने लग गया है सीन पानी में, बट खैर जो भी हो, लिव इट, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं अपनी आगे की जो भी है सीन पानी, थंडर गॉड, ये मैं मस्ट बी श्योर ये NL होगा, वो लूफी में होता है ना वन पीस में, या वही होगा 100%, ठीक है। कोई ना, अपन यहाँ की ग्राइंडिंग कर लेते हैं, 580 8 डिफीट करने हैं, 8, हाँ ओके, अभी तो ये मार पाएंगे ना मेरे को, यस।
बट एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद ये मेरे को टच भी नहीं कर पाएंगे। यस ब्रदर, यस आई जस्ट न्यू इट एवरीथिंग, है ना। यस ओ सर्टन लेवल तो छोड़ो, वो तो अभी नहीं मार पाएगा मेरे को। एंड इसी के साथ अपना लेवल हो चुका है 576। एंड वेल, अब अपन लोग बॉस के नाल बैटल कर सकते हैं। एंड बॉस के साथ फाइट करने के बाद मेरे को करना होगा लेवल 600। देन मैं जा पाऊंगा अगले आइलैंड पर, वो जो वो है ना फवारा वाला, वहां पर। एंड उसके अलावा आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि भैया चाहे जो हो जाए आज इस एपिसोड का अंत हो जाएगा, ठीक है। मैं आज भैया फाइनली मैक्स लेवल कर लूंगा, मतलब चाहे जो हो जाए आज भैया मैक्स लेवल करना है, ठीक है। 700 लेवल आज करने, और बहुत दिन हो गए इसमें, ठीक है। बहुत दिन लग चुके हैं और दिन में वेस्ट करना नहीं चाहता, तो आज टाइम आ चुका है इसको ओवर करने का। बिल्कुल मैं आज कन्फर्म हूँ, ठीक है। एंड सामने ये रहा हमारे थंडर गॉड, और भैया मैं कसम से बता रहा हूँ ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग होगा, लिख के ले लो, ठीक है। एंड मुझे उसके अटैक से बचना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेरे लगा देगा। यप, मैं इसी अटैक की बात कर रहा था। मैं कितना दूर था बट स्टिल मेरे को उसने कैप्चर कर लिया, देख सकते हो तुम। भाई मैं सही बता रहा हूँ, अकाइनू के मुकाबले तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट यार तेरा टाइम आ चुका है ब्रदर, तेरा टाइम आ चुका है, ठीक है। ऑल राइट, उसको मारने के बाद अपना लेवल हो चुका है 578। एंड अपने को चाहिए भैया कम से कम नहीं तो लेवल 600, देन अपन उस फाउंटेन सिटी में जाकर ग्राइंडिंग कर पाएंगे, राइट। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। एंड इसी के साथ अपना लेवल हो चुका है 626। एंड वेल, अपनी अगली क्वेस्ट भी अनलॉक हो चुकी है। वेल, मुझे पता है मैंने कहा था 600 लेवल पर अपन अगले आइलैंड पर जा पाएंगे, बट सही कहूँ तो मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेशन गलत था। वेल, मैं एक्चुअली इससे ज़्यादा आगे कभी आया नहीं तो मुझे पता नहीं था, ठीक है। भाई साहब बहुत टाइम लग गया, लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लग जाएगा, बट ओ बॉय हद से ज़्यादा लग गया, ठीक है। बट या फाइनली जो अपने को करना था वो हो चुका है, अपन लोग फाइनली इसके लिए तैयार हो चुके हैं, और अब अपन लोग जा सकते हैं अगले आइलैंड पर फाउंटेन सिटी, एंड वहां जाकर ग्राइंड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा तुम लोग मेरी आवाज़ से ही पता लगा सकते हो मैं लिटरली कितनी देर से लग रहा हूँ। मैं लिटरली भैया पिछले 2 घंटे से ग्राइंड करने लग रहा हूँ, और देन मैं जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। मेरी लिटरली हालत ख़राब है, मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही है ना अब कि मैं क्या बताऊँ, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बट फाइनली मैं खुश हूँ कि भैया अपन यहाँ तक पहुँच गए, यस फाइनली। एंड वेल, इसको नूब टू प्रो करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि पता नहीं तुम्हें एपिसोड पसंद आया या ना आए, और तुम लोग अगला एपिसोड चाहो या ना चाहो, बट मैं कहा कि भैया ये तो कर ही लेते हैं। ओके, तो गैली पायरेट 625, ऑल राइट, आगे बोलो आगे बोलो। गैली कैप्टन के लिए चाहिए 650, ओके। एंड साइबोर्ग के लिए चाहिए, हाँ 700 लेवल होता है मैक्स इसका, ठीक है। ओके आई अंडरस्टैंड, सॉरी ब्रो। तो अपन ले लेते हैं गैली पायरेट, कन्फर्म, दैट्स इट, ओके। हाँ आप सही है, ठीक है ब्रो। तू उससे लगा रहे अपन इसको मार लेगा, तू भैया ना जिसे मैं मारना चाहता हूँ। हाँ यस ओके, कम ब्रो लेट्स हैव सम फाइट। या इस तरह से तुझे मारना बहुत ही ईजी है।